कुल्लू जिला में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र मलाना के लिए सड़क यातायात बाधित होने से अब प्रशासन के लिए मलाना में राशन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन की तरफ से चौपर से राशन भेजने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन मलाना में ग्रामीणों के द्वारा चौपर की लैंडिंग के लिए बनाए गए जगह पर पेड़ों के कारण लैंडिंग नहीं हो पाई। दो दिनों तक लगातार सेना के चौपर से राशन सामग्री पहुंचाने के लिए उड़ानें भरी गई, लेकिन मलाना गांव में चौपर की लैंडिंग नहीं हो पाई और प्रशासन की तरफ से नेपाली मजदूरों के माध्यम से 15 क्विंटल मलाना पहुंचाया गया है, जबकि आने वाले समय में प्रशासन की तरफ से रिलीफ राशन किट भी भेजने के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे मलाना के ग्रामीणों को राशन की किल्लत न हो। इसके लिए प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि मलाना में बाढ़ के बाद सड़क यातायात बाधित होने से चौपर के माध्यम से राशन भेजने का प्रयास किया गया था, लेकिन मलाना में चौपर की लैंडिंग न होने के कारण वो मिशन रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि नेपाली मजदूरों के माध्यम से पैदल रास्तों से 15 क्विंटल राशन उचित मूल्य के सरकारी दुकान में भेजा गया है और मलाना में ग्रामीणों को रिलीफ राशन किट भी भेजी जाएगी। ग्रामीणों को राशन की दिक्कतें ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बागीपुल और समेज में प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। जिला कुल्लू में मलाना में जो आपको पता है हमारा कट ऑफ हो गया है राशन भेजने के लिए, हमने चौपर रिक्वेजिशन किया था पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्लियरेंस ना होने की वजह से वो हमारा अबॉर्ट हो गया है मिशन। तो हम ऑन फुट भी पीडीएस का राशन भेज रहे हैं। 10 क्विंटल राशन हमने कल तक भेज दिया था और आज 5 क्विंटल और जा रहा है और एडिशनली कल से हम कुछ रिलीफ किट्स भी लेबर के साथ हम मलाना भेजेंगे ताकि ऊपर किसी को भी राशन की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो बागीपुर में है वहाँ हमारे प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोनों शुरू हो गए हैं और जो केदस का ब्रिज है वो भी आज ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉन्च हो गए हैं। तो 3 में से 2 ब्रिजेस वहाँ हमारे रिस्टोर हो गए हैं। रिलीफ एज पर नॉर्म्स जो हमारा एसडीआरएफ एनडीआरएफ का है वो दिया जा रहा है जितनी भी अफेक्टेड फैमिलीज को है और कुछ सीएम साहब ने जो एडिशनल अनाउंसमेंट की थी उसके हिसाब से भी इमीडिएट रिलीफ दिया जा रहा है।